और भाई आप लोग को जो लगाना है 450 में, आप लोग बगल में देख सकते हैं हमारे पास है उसका, आप लोग सीरीज बनाएंगे तो आप लोग कंडेंसर जरूर लगाएं, और सेफ्टी चाहते हैं तो कंडेंसर के साथ पीएफ भी हेलो लगाएं। फ्रेंड, कैसे हैं? तो भाई आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, आप हमारे बगल में देख सकते हैं जो कि यूनिट पड़ा हुआ है, मैंने इसको सीरीज में कन्वर्ट किया है, और एचएफ को भी ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, बस थोड़ा चेंजिंग होता है, आप लोग हाथ में देख रहे हैं, यही सब लगा के आज आप लोग को वीडियो बताएंगे, काफ़ी अच्छा होने वाला है ये वीडियो। और जो भाई कनेक्शन नहीं करना जानते वो लोग जान जाएंगे और आपका एक भी एचएफ नहीं उड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भाई मैंने एक रामायण में लगाया था जो कि अखंड रामायण था 24 घंटा वाला, हारन को मैंने सीरीज में किया था, उसका भी मैं वीडियो ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और कौन कौन सी मशीन मैंने लगाया था वो भी देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आप लोग देख सकते हैं यह रहा यूनिट जो कि हारन वाला यूनिट है, और भाई इसका कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट मशीन से आया है, ब्लैक वायर, उसके बाद रेड वाला फिर ब्लैक में गया है, और ये आप लोग देख सकते हैं रेड वाला फिर ब्लैक में आया है, और ये रेड डायरेक्ट मशीन में गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मशीन में लगा हुआ है। और भाई आप लोग के पास और भी यूनिट है तो आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ से रेड में जाएगा, रेड वाला ब्लैक में जाएगा, फिर रेड वाला ब्लैक में आएगा, और जो बचता है रेड वाला वो डायरेक्ट मशीन में जाता है। और भाई आप लोग इसको जैसे होता है, आप लोग ये वाला एचएफ देख रहे हैं, इसको भी आप लोग ऐसे ही कनेक्शन कर सकते हैं, सेम कनेक्शन ऐसे रहता है, तीन तीन का सीरीज बनाइएगा और यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, जो कि भैया आप लोगों को मैं ऐड करके दिखाता हूँ इसी यूनिट में। चलिए इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एनसीएस म्यूजिक चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आवाज़ निकल रहा है, जो कि मैं 500 वाट से चेक कर रहा हूँ, मेरे पास 250 वाट भी है, जो कि अभी मैं वीडियो ऐड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिए जहाँ मैं रामायण में लगाया था। चलिए आप लोग जैसे आप लोग को ये वाला जैसे एचएफ में लगाना है, 450 में बजाना है, तो आप लोग को बताते हैं कंडेंसर भी लगा सकते हैं, पीएफ भी लगा सकते हैं, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं लगा के। तो भाई आप लोग देख सकते हैं मैं यूनिट में लगा दिया हूँ कंडेंसर, और चलिए चेक करते हैं। भाई यूनिट में ये कंडेंसर लगाने से आवाज़ थोड़ा दबता है, लेकिन आप लोग को हारन चलाना है तो आप लोग बिल्कुल कंडेंसर मत यूज करें, डायरेक्ट बजाएं, और भाई डायरेक्ट यूज करेंगे यूनिट में तो काफ़ी दूर तक आप लोग को इसका थ्रो जाता है, जो कि 2-4 किलोमीटर से ज़्यादा है जाता है। और भाई आप लोग को जो लगाना है 450 में, आप लोग बगल में देख सकते हैं हमारे पास है, उसका आप लोग सीरीज बनाएंगे तो आप लोग कंडेंसर ज़रूर लगाएं, और सेफ्टी चाहते हैं तो कंडेंसर के साथ पीएफ भी लगाएं, आपका एकदम सेफ रहेगा, जलेगा नहीं, जलेगा तो एक ही यूनिट जलेगा और सेफ बच जाता है। और भाई आप लोग तीन ही करिएगा बेस्ट रहता है, चार भी कर सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट 3 वाला होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आप लोग को दिखाते हैं लाइव प्रोग्राम जो कि हम लोग जब रामायण कथा में लगाते हैं। भाई आप लोग देख सकते हैं स्टेंजर लगा है 501, स्टेंजर का मिक्सर है 12 चैनल का, और आहूजा का लगा है 250 वाट, जो कि 250 वाट पे 4 यूनिट बहुत ही अच्छे से चलता है। और भाई आप लोग देख सकते हैं चूँकि ढोल में एक बेस होता है, एक ट्रेवल होता है, तो बेस आप लोग देख सकते हैं मेरा 501 लेफ्ट में लगाया है, तो मैंने पैन जो है लेफ्ट में कर दिया है बेस वाला माइक, क्योंकि बेस सिर्फ हमारे 12 इंची से आएगा जो कि हारन में नहीं जाएगा, तो आप लोग चलाते हैं तो ऐसा करिए। और भाई आप लोग देख सकते हैं मैंने अर्थ जो दिया है, अभी आप लोग को दिखा देता हूँ, मैं अर्थ देख सकते हैं एक लोहे में बांध कर ज़मीन में डाल दिया गया है, जिससे अर्थ मिलता है और हारन का जो होता है ना आवाज़ नहीं करता है, जिससे होता है चींपी वाला आवाज़ नहीं आता है। और आप लोग देख सकते हैं आहूजा का है, और ये रहा 501। और भाई आप लोग भी ऐसे सेटिंग करें जो अर्थ होता है उसको ज़रूर लगाएं, और उसे हारन का जो होता है कुछ लोग भाई सेट नहीं कर पाते हैं, उनका माइक हमेशा चिल्लाता रहता है, तो ऐसा नहीं होता समस्या। आप लोग देख सकते हैं 12 इंची का वॉल्यूम 3.5 पे था और हारन का 6 पे था, जो कि बहुत ही अच्छा चलता है भाई। हमारे 12 इंच आप लोग जानते होंगे, जो कि 200 वाट का स्पीकर लगा है और इसमें 350 एचएफ लगा है, बट भाई रामायण में आप लोग को चलाना है तो 100 वाट के 12 इंची सबसे अच्छे होते हैं, जो 100-100 वाट के स्पीकर रहते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रेवल आता है भाई, 200 वाट में बेस आता है,
क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ, अपना खुद का काम था इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग के पास है तो भाई पैसा क्यों खर्च करना। और भाई आप लोग देख सकते हैं यूनिट जेके का लगा है जो कि 100-100 वाट का है, 4 यूनिट मैंने लगाया है और इसको भी भाई मैंने सीरीज में लगाया है। जैसे मेरा वीडियो आप लोग आगे देखे होंगे सब सीरीज में लगा हुआ है, एक भी हॉर्न नहीं जलता है भाई। और आप लोग चाहते हैं तो मैं यूनिट का भी सीरीज बना दूंगा जो कि 450 का कहेंगे तो बना दूंगा, जो कि सेम ही रहेगा यूनिट के जैसा। तो चलिए आप लोग का इसका साउंड का क्वालिटी आप लोग को सुनाते हैं। मन से कर